अब जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम क्या है, फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, टॉपिक चल रहा है हमारा पार्टनरशिप, टॉपिक पूरा चल रहा है पार्टनरशिप। अब हमारा पार्टनरशिप स्टार्ट हो रहा है जिसमें हम पढ़ेंगे चेंज इन PSR, फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंट्स, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर एंड डिसोल्यूशन। इतने सारे चैप्टर पार्टनरशिप के ऊपर है, तो हमारी फर्स्ट बुक खत्म होगी। ठीक है, तो अभी हमारा पार्टनरशिप का पहला टॉपिक शुरू हो रहा है, दैट इज़ फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंट्स। इसमें क्या होगा, देखो दो पार्टनर होंगे या तीन होंगे, उनके बीच में कुछ टर्म्स होंगी कि ऐसे बिजनेस करना है, तो उस टर्म के अकॉर्डिंग हम लोग कैलकुलेशंस करेंगे। जैसे इनमें टर्म्स क्या होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तुझे कितना मिलेगा, पार्टनर ऐसी तो बातें करते हैं, प्रॉफिट किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन का क्या रेट होगा अगर फर्म को पार्टनर लोन देता है, या पार्टनरशिप फर्म पार्टनर को लोन देती है तो क्या रेट होगा। ठीक है, तो ये हमें अकाउंटिंग करनी है। ठीक है, उसके बाद ड्राइंग्स सुना है ना आपने, ड्राइंग्स वर्ड अमाउंट दैट हैज़ बीन विड्रॉन फ्रॉम द बिजनेस बाय द पार्टनर्स इज कॉल्ड ड्राइंग। तो ड्राइंग निकालने पे फर्म पार्टनर से क्या लेगी, इंटरेस्ट लेगी, तो उसके इंटरेस्ट ही कैलकुलेशन करेंगे। तो ड्राइंग्स हो सकती है तीन चार केसेस के अकॉर्डिंग, जैसे मंथली ड्राइंग्स, क्वार्टरली ड्राइंग्स, हाफ ईयरली और ईयरली। तो इनकी कैलकुलेशंस हैं कि कब किस फे में ड्राइंग्स होगी और हम इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे। तो टॉपिक क्या क्या हुए, एक तो ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट निकालना, दूसरा क्या बताया मैंने, कैपिटल पे इंटरेस्ट निकालना। बात समझ में आ रही है, ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट कौन चार्ज कर रहा है, फर्म, किस से, पार्टनर से। कैपिटल पे इंटरेस्ट कौन दे रहा है, फर्म, किसको, पार्टनर को। बात समझ में आती है, अगर ड्राइंग पे फर्म चार्ज कर रही है तो किसका फायदा हो रहा है, फर्म का, पार्टनर से ले रही है ना इंटरेस्ट, और कैपिटल पे अगर इंटरेस्ट दे रही है फर्म तो किसका नुकसान हो रहा है, फर्म का। हम अकाउंटिंग किसकी करें, पार्टनर की, फर्म की, फर्म की, फर्म की, पार्टनर की नहीं करते। कहा था ना मैंने बिजनेस एंटिटी। चलो थर्ड, फिर हम करेंगे ड्राइंग्स हो गया, कैपिटल और लोन। लोन मतलब फर्म ने, सॉरी यहाँ पे पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, तो फर्म क्या देगी उसको, इंटरेस्ट। ये फर्म के लिए क्या है, लॉस। क्लियर, इसकी अकाउंटिंग सीखेंगे हम। उसके बाद हम इसमें और क्या देखेंगे, इसमें अकाउंट्स कौन कौन से बनाने पड़ेंगे। एक तो अकाउंट बनाना है बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक बनाना है बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एक बनाना है पार्टनर कैपिटल अकाउंट। इस चैप्टर में बैलेंस शीट नहीं बनानी, यहाँ तक क्वेश्चन है। और इस वैसे भी इस चैप्टर में सिर्फ कैलकुलेशन है, छोटी 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 छोटी, ये फुल फ्लैश चैप्टर नहीं है। देखो ध्यान से, एक क्या बनाना है प्रॉफिट लॉस टी शेप में, एक क्या बनाना है प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन। इसमें फ़र्क क्या है सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आउटसाइड खर्चे आते हैं जो फर्म से रिलेटेड, सॉरी जो पार्टनर से रिलेटेड नहीं है, और प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में जो प्रॉफिट आएगा प्रॉफिट एंड लॉस से उसका बंटवारा होगा किस में, पार्टनर्स में। तो इसमें एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशन मतलब क्या होता है, बंटवारा। तो इस प्रॉफिट से बटेगा, क्या बटेगा, पार्टनर को सैलरी, पार्टनर को कमीशन, पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो जब प्रॉफिट आपस में बढ़ता है किस में, पार्टनर्स में, तो कहाँ बढ़ किस में जाता है वो, एप्रोप्रिएशन, राइट। और कैपिटल अकाउंट बनाएंगे हम। क्लियर यहाँ तक, दीज आर दी कैलकुलेशन। और इस चैप्टर में क्या करना है, फंडामेंटल के चैप्टर में जो एग्जाम में आती है एक चीज़ आएगी, पास्ट एडजस्टमेंट टेबल। क्या बोला मैंने, पास्ट एडजस्टमेंट टेबल। ये क्या हो गया, आपको रेक्टिफिकेशन करनी है। अभी किया था ना चैप्टर में PSR में रेक्टिफिकेशन, मतलब इस क्वेश्चन में बोलेगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था 8%, दे दिया 5%, इसको ठीक कैसे करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना था 5%, कर दिया 2%, दीज आर द मिस्टेक्स। या प्रॉफिट बांटना था इक्वल, बांट दिया 2:2:1, दीज आर द मिस्टेक्स। तो मिस्टेक करने के लिए टेबल बनाएंगे जिसका नाम है पास्ट एडजस्टमेंट टेबल। पिछली गलतियों को एडजस्ट करने के लिए टेबल बनाएंगे, क्योंकि पिछली गलती ठीक नहीं कर सकते आप पिछले साल जाके, इस साल उसका इफेक्ट ठीक कर सकते। क्लियर, ये बहुत सिंपल है। एक टॉपिक इसमें हम पढ़ेंगे बच्चों, वो भी एग्जाम में आता है, दैट इज गारंटी ऑफ प्रॉफिट। गारंटी ऑफ प्रॉफिट मतलब, गारंटी ऑफ प्रॉफिट मतलब क्या, कि यहाँ पे या तो कोई एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को गारंटी देगा कि तुम्हें हम इतना प्रॉफिट तो फर्म से देंगे,
इतना प्रॉफिट देंगे, अगर उतना प्रॉफिट नहीं आ रहा तो वो पार्टनर पर्सनली अपनी पॉकेट से देगा, या कभी दो पार्टनर मिलके एक को क्या देंगे, गारंटी, अगर उसका प्रॉफिट से कम हुआ तो दोनों उसको देंगे, या फर्म देगी किसी एक फर्म पार्टनर, वो क्या टॉपिक है, गारंटी ऑफ प्रॉफिट। टॉपिक बहुत सारे हो गए ना, लेकिन छोटे छोटे टॉपिक हैं, सिर्फ क्या है कैलकुलेशन और कुछ नहीं इस चैप्टर में, ठीक है। छोटी छोटी कैलकुलेशन करेंगे, पार्टनर्स का टोटल अकाउंट बनाएंगे। दीज आर द टॉपिक्स टू बी कवर्ड इन फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंट्स।